Good afternoon, everyone. Welcome once again to Lead Channel. And today it is my privilege to introduce a wonderful lady. She's a woman leader. She is a television actress. She is an entrepreneur. She owns her own production house. She's worked for the development sector. She's also the ambassador for Pakistan Red Crescent Society. She's the ambassador for Anti-Narcotics Force. She's also the ambassador for the National Book Foundation. This lady, she started her journey from radio, she moved on to television, and now she has ventured into the field of direction and production. It is great pleasure for me to introduce Ms. Leila Zubairi. Assalamu alaikum, aap kaisi hain? Assalamu alaikum, I'm fine, thank you. Boutique. Welcome to Lead Pakistan. Now, abhi aapko apne presentation di hai my new project, jiska naam hai Our World, Women Leadership and Reproductive Health. What is your opinion about the status of reproductive health in Pakistan? इस पर हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसकी. जो हमारे स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे, जो मतलब जो हमारे मासेस हैं समझ लें, उनमें अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है. और मैं समझती हूँ कि उसमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और उन तक ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि वॉट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आपने अभी बात की मैसेस को सेंसिटाइज करने की. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ मीडिया? मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम और उसको बहुत पॉजिटिव उसका यूसेज होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं किया जाता. इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं मीडिया को. कोई भी जो डायरेक्ट अगर मैसेज होता है तो लोगों पे उसका इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि इनडायरेक्ट का होता है. तो ड्रामास हो या इस तरह की कोई चीज़ें हो या डॉक्यू ड्रामास हो, उसके थ्रू अगर ये मैसेज पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो आई थिंक कि इस पर मीडिया को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और ताकि जो हमारे मासेस तक पैगाम पहुँचे, क्योंकि टेलीविज़न बहुत देखा जाता है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं स्पेशली जो गांवों वगैरह में भी हैं वो ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं. अगर इसको उस तरह से पहुंचाया जाए उन तक तो उसका ज़्यादा इफेक्टिव होगा. Do you think our media has progressed enough to really open up and talk about these issues? Because in villages and in remote areas, this might be a very taboo subject. And probably men sitting in their families watching television might disapprove. हाँ, ऐसा तो है, मगर gradually उनको हमें mentally इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा. जब तक हम अपने यहाँ के मर्दों और specially mother-in-laws तक ये पैगाम नहीं पहुँचाएँगे कि जो कितना ज़रूरी है उनको ये इस चीज़ की नॉलेज होना, और आहिस्ता आहिस्ता करके ही हम उनको पहुंचा सकते हैं उन तक ये चीज़, उनके उन तक इस चीज़ का मतलब उनको एहसास आहिस्ता आहिस्ता ही दिलाया जा सकता है. एकदम से अगर हम कहेंगे तो शायद उनको बुरा लगे, मगर इसको हम ग्रेजुअली ड्रामों में उसके इफ़ेक्ट्स, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिखा के और अगर तरीके से कोई चीज़ भी बताई जाए तो मेरे ख्याल से वो अफेक्ट कर सकते हैं. And as a strong, determined, career-oriented woman, what will be your message to first the young girls out there who would be watching this video? जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनको भी इस चीज़ का एहसास खुद भी होना चाहिए और वो जितनी अवेयरनेस पहुँचा सकती हैं विलेजेस तक, अपने जितने जानने वाले हैं जिनमें वो उठती बैठती हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, सब तक वो उनको सेंसिटाइज कर सकती हैं इस मैसेज के लिए, तो वो ज़रूर करें. So we've talked about young girls and let's talk about our established leaders and let's talk about women empowerment. Demographics are showing that there's a huge population, a healthy population, a sizable population of women out there. How do you think we can empower women so they can take better decisions and they can make better decisions about their reproductive health and life in general? Basic necessity is education. एजुकेशन जब तक नहीं होगा तो हम उन तक नहीं पहुंचा सकते ये चीज़ें. एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ जैसा कि कॉन्सेप्ट है कि लड़कों को पढ़ा दिया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग. लड़कियों का भी उतना ही राइट है एजुकेशन के लिए जितना कि लड़कों का है, क्योंकि उन्हें बाद में माँ बनना है और वो बेहतर माँ जब भी बन सकती हैं और वो अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर शख्स जब भी बन सकती हैं जब वो एजुकेटेड हों. तो इस वजह से औरतों के लिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
And since you're an entrepreneur as well and you're a businesswoman, what do you think is the role of financial empowerment that will lead to the progress of women? How important is that? बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक अकेला मर्द जो है वो घर को नहीं चला सकता. इस वजह से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट के साथ में जो हमारी औरतें हैं वो भी काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी खवातीन की है. तो जब तक खवातीन भी उसमें शाना बशाना मर्दों के काम नहीं करेंगी, वो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा. इस वजह से ज़रूरी है कि औरतें भी काम करें. ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकल के काम करें, वो घर में बैठ के भी काम कर सकती हैं. बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे उनको फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है. तो क्योंकि बहुत सी औरतें अपने बच्चों को छोड़ के नहीं निकल सकती, घर में बैठ के भी वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि वो कर सकती हैं. और तो इसलिए कि बेसिक चीज़ हो गई एजुकेशन, और उसके बाद ये कि फाइनेंशियली वो कितनी सपोर्ट कर सकती हैं अपनी फैमिली को. Now you just heard about a project. What is your feedback and what do you think your role would be in this project? I think you are doing a great job, or I'm there for you, and I'm happy that mujhe bhi aapne include kiya hai isme, aur main jo kuch bhi kar sakti hu wo karungi. Naturally, being a media person or being a celebrity, main itna to kar hi sakti hu ki logon ko sensitize karu, उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँ. एटलीस्ट ये कि मैं जो मैं कहूँगी उसका इफेक्ट तो लोगों पे कुछ होगा, तो मैं उन तक ये मैसेज पहुँचा सकती हूँ. Alright, thank you so much for your time. It was a pleasure having you here, and I hope that all the young people and people who are not so young out there who are listening to us are going to take some value out of your message. Thank you so much.